साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी। आज हम उर्दू कवायद और इंशा में काफिये के बारे में पढ़ेंगे कि काफिया किसे कहते हैं और काफिया होता क्या है। ठीक है जी। ये शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। तो ये जो दम और कम है ये जो है काफिया है। निकले जो निकले ये रदीफ है, रदीफ से पहले काफिया आता है। ठीक है जी। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ये जो जहां और इम्तिहान है ये काफिया है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हुबाब और शराब ये है। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, लेकिन अपना अपना दामन। गुलशन अपना, इसमें नून मिल रहा है। ठीक है जी। तो ऊपर दिए गए अशआर की खत शुदा लफ्ज़ों पर गौर करें। दम कम जहां इम्तिहान उबाब शराब और गुलशन दामन, ये लफ्ज़ एक जैसी आवाज़ पर ख़त्म होते हैं और इसमें आखिरी हर्फ या हरूफ मुश्तरक भी है। जैसे दम कम में मीम, उबाब और शराब में बा, अब जहां इम्तिहान में अलिफ और नून गुन्ना, और गुलशन और दामन में नून। वो लफ्ज़ जो यकसा आवाज़ और यकसा हरूफ पर ख़त्म होते हैं उन्हें काफिया कहते हैं। काफिया से शेर में नगमगी और तरन्नुम होती है। ठीक है। ज़ेल की मिसालों में काफियों को पहचानें। अब आपको काफियों को पहचाना है। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। तो इसमें समझाने और दीवाने ये काफिया है। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। तो मकाम और शाम ये जो है काफिये की पहचान है। उम्मीद है कि आपको काफिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको काफिया समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जो उर्दू में अच्छे से जानना चाहते हैं। इंशाल्लाह उर्दू से रिलेटेड तमाम मालूमात आपको हमारे चैनल पे शमाए उर्दू हिंदी पे मिल जाए। शुक्रिया।